अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा तव्हांखे ॾंदनि जी बीमारी बाबति ॼाण ॾींदासीं, त ॾंदनि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, उन खां बची कीअं सघिजे थो, जे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, छो त ॾंद असांजी ख़ूबसूरती जो हिकिड़ो तमामु वॾो हिसो आहिनि। जेकॾहिं ॾंदनि में का ख़राबी आहे या जेकॾहिं उहे साफ़ न आहिनि या उहे भगल आहिनि, त पोइ असां एॾा ख़ूबसूरत ऐं सुहिणा नथा लॻूं। इन करे ॾंद साफ़ बि हुजनि, ख़ूबसूरत बि हुजनि ऐं सालम बि हुजनि ऐं उन्हनि में का बीमारी बि न हुजे। ऐं ॾंद ख़ूबसूरती खां अलावा असांजे खाइण जे में बि ॾाढी मदद कनि था, छो जेके ॾंद आहिनि त असां ज़बरदस्त तरीक़े सां सुठे नमूने सां ग़िज़ा खाई सघूं था, जेका असांजे जिस्म लाइ तमामु ज़रूरी आहे। त ॾंदनि जूं बीमारियूं ॿारनि में कहिड़ियूं आहिनि, वॾनि में कहिड़ियूं आहिनि, ॾंद किरंदा छो आहिनि ऐं ॾंदनि मां रतु छो ईंदो आहे, ॾंदनि जी सफ़ाई जो कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, हिन जदीद साइंसी दौर में अञा वधीक ॾंदनि खे कीअं बहितरु कजे, कुझु ॾंद टेढ़ा हूंदा आहिनि, कुझु जा रंग जेको आहे उहो सही न हूंदो आहे, त कहिड़ियूं ग़िज़ाऊं खाइणु घुरिजनि ऐं ॿार ॾंदनि में सूरु अचानक छो पवंदो आहे या कीड़ो छो लॻंदो आहे, इन बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। हिन सिलसिले में अॼु मूं सां जो महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल ख़ालिदी, जेके पाण एडिशनल चीफ डेंटल सर्जन आहिनि सर्विसिस हॉस्पिटल कराची में। ऐं डॉक्टर साहिबु, जो हिकिड़ो तमामु वॾो कमु आहे, डॉक्टर साहिबु खां पुछंदासीं त हिन जदीद साइंसी दौर में असां पंहिंजे ॾंदनि जी हिफ़ाज़त कीअं करियूं ऐं इलाज जा सुठा तरीक़ा कहिड़ा आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वरी महिरबानी डॉक्टर इक़बाल ख़ालिदी, तव्हां पंहिंजो वक़्तु कढी हिते असां वटि आहियो। डॉक्टर साहिबु, जीअं मां ज़िक्र कयो त ॾंद असांजे ख़ूबसूरत जो हिकिड़ो तमामु वॾो हिसो आहे, बिल्कुलु इहो तमामु सुठी ॻाल्हि, पर हुन सां गॾु खाइण जे लाइ बि ॾंद तमामु ज़रूरी आहिनि, बिल्कुलु, छो त जेकर ग़िज़ा न खाईंदासीं त कमज़ोर थी वेंदासीं। त कामन आम तव्हां वटि ॾंदनि जूं बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि, कहिड़ा मरीज़ तव्हां वटि अचनि था? असां मोस्टली जेके अचनि था पेशंट, उहे ॾंदनि में कीड़ो लॻण जे करे ईंदा आहिनि। ॾंद में सूरु हूंदो आहे तॾहिं पेशंट जेको आहे सो डॉक्टर ॾे विज़िट कंदो आहे घणो करे, या ब्लीडिंग गम्स आहिनि, मसूड़नि मां ब्लड अचे पियो त उन जे करे जेको आहे सो असां वटि घणो विज़िट कंदा आहिनि। अॼुकल्ह माशाल्लाह जेको आहे सो ॿारनि में वॾनि में अवेयरनेस अची वई आहे ऐं डेंटल सर्जन खे विज़िट बि कनि था माण्हू ऐं पंहिंजे ॾंदनि जी कुझु हिफ़ाज़त बि कनि था, पर अञा ताईं बि उहा घटिताई आहे त प्रॉपर तरीक़े सां सफ़ाई, प्रॉपर तरीक़े सां डॉक्टर खे विज़िट ऐं पंहिंजे वात जी सिहत खे जेको आहे सो मद्देनज़र रखणु अञा बि घटि आहे असांजे मुल्क में, अञा बि घटि आहे। अच्छा, पोइ ॾंदनि में जेको सूरु थो पए अचानक, कॾहिं राति जो ॿी टी बजे सूरु पए, कीड़ो जेको लॻंदो आहे जॾहिं सुराख थी वेंदो आहे, जॾहिं उहो तमामु घणो डीप थी वेंदो आहे त पोइ सूरु पवंदो आहे, अॻ में छो नथा इन तरफ़ असांजा माण्हू तवजो? अवेयरनेस जी घटिताई आहे न, थोरो अवेयरनेस जी घटिताई आहे असां वटि, जेको आहे सो माण्हू वटि टाइम बि थोरो जेको आहे सो डेंटल सर्जन कॉस्टली बि हूंदा आहिनि प्राइवेट सेक्टर में, तव्हांखे ख़बर आहे, तंहिं करे उहे माण्हू अवॉइड कंदा आहिनि। ॿी शइ इहा माण्हुनि जे ज़हन में पुराणी हिकिड़ी वेठल आहे त बसि ॾंद जो इलाजु जेको आहे सो कढाइणु आहे, उन खां जेको आहे सो असांखे माण्हुनि खे जेको आहे सो थोरो हटाइणो आहे त ॾंदु बाबा हर सूरत में जेको आहे सो बचाए सघिजे थो। तव्हां जीअं हींअर ज़िक्र कयो त ॾंद ख़ूबसूरती बि आहिनि, ॾंद खाइण लाइ बि ज़रूरी आहिनि, मानी तव्हां चङे तरीक़े सां चॿाड़ींदव त पोइ डाइजेस्ट बि सुठी थींदी, चॿाड़ण ई कोन ईंदो त पोइ जेको आहे सो डाइजेशन बि कोन थींदी, तंहिं करे ॾंद ते तवजो ॾियणु तमामु ज़रूरी आहे। न त कीड़ो छो लॻंदो आहे, छा असांखे ख़बर न हूंदी आहे त कीड़ो लॻी वियो आहे? शुरू जे स्टेज में त असांखे ख़बर कोन पवंदी आहे, ख़बर असांजो ॾंद आहे असां हुनखे ॾिसंदा न आहियूं या त असां हुनखे ॾिसंदा न आहियूं। तव्हां बिल्कुलु सही पॉइंट जेको आहे सो इहो कढियो त असां हुनखे ॾिसंदा न आहियूं रोज़ानो, मतिलबु हिकिड़ो दफ़ो ब्रश कयूं, ॿ दफ़ा ब्रश कयूं त पंहिंजे ॾंद खे शीशे में ॾिसूं त सही न, को निशान को दॿो, को निशान, को कैविटी त कोन थी, को ब्लैक स्पॉट त कोन पियो अचे, या मसूड़ो किथां जेको आहे सो गम्स किथां असांजा सहुलो त कोन था थियनि। जे इहो ॾंदु ब्रश करण वक़्तु माण्हू थोरो चेक करे वठे त बसि। अच्छा, इहा शइ थिए कोन थी असां। अच्छा, कॾहिं कॾहिं ॾंदनि मां रतु ईंदो आहे या ॾंद हिलंदा न अॻियां, इन्हनि जो कहिड़ो सबबु आहे? रीज़न इन्हनि जी सभिनी खां वॾी आहे सफ़ाई जी घटिताई, ठीकु आहे न। ॿिया कुझु डिज़ीज़ बि आहिनि जीअं हेपेटाइटिस आहे, उन में बि जेको आहे सो असांजा गम ब्लीड कंदा आहिनि, या असांजो हीअं डेंगी जीअं आहे त उन में बि जेको आहे सो ब्लीडिंग गम्स थियणु स्टार्ट थींदियूं आहिनि, त मसूड़नि मां ब्लड अचे त चङे तरीक़े सां के सुठे डॉक्टर खे ॾेखारणु घुरिजे त छा रीज़न आहे। समटाइम जेको आहे सो असांखे रीज़न ख़बर न पवंदी आहे ऐं ॾंद जेको आहे सो किरी पवंदा आहिनि उन में। न ॾंदनि खे के वायरस, के बैक्टेरिया, के फंगस या कुझु अहिड़े क़िस्म जा जरासीम बि लॻी सघनि था? एनएरोब्स जेको आहिनि उहे बैक्टेरियास त हूंदा ई आहिनि, इन्फेक्शन क्रिएट कंदा आहिनि उहे, ठीक आहे न। बैट से मेल अचणु जेको आहे सो उनजी हिकिड़ी निशानी हूंदी आहे त मसूड़नि मां जेको आहे हल्को ब्लड अचे पियो ऐं सिमेल तव्हांजे वात मां अचे पई त डैट मीन्स त हिते जेको आहे सो को इन्फेक्शन थियो आहे तव्हांखे,
त बेहतर है तो पहले डॉक्टर के विजिट के बजाय पान सेल्फ मेडिकेशन जे या टूथपेस्टन के चक्कर में रुगो न पवे तो भाई हे टूथपेस्ट एडवर्टाइज अचे पी तो हे टूथपेस्ट हे टूथपेस्ट हे टूथपेस्ट टूथपेस्ट जो 100% का ट्रीटमेंट ना है वो तो इलाज ना है वो तो सफाई जो तरीको है ना तो आजकल मार्केट में टूथपेस्ट तमाम घना जो एडवर्टाइज के करे अच्छा जे कने डॉक्टर खालदी कें के कीड़ो आए उनके सुराख थियो तो सूर छो थिंदो केड़ी स्टेज ते थिंदो सूर असो सो सेकेंड ए थर्ड स्टेज से जैसे अस डेंटिन के क्रॉस क्या दंद जो जो ब्लड सप्लाई है जैसे अस पल्प चवंदा उन्हें पल्प ताई जैसे कीड़ो पहुँचन या इन्फेक्शन पहुँचन तदे असके सूर पिन स्टेज में सेकेंड असो जो पल्प आ वो डेड थी वो अंदर एप्सिस ठही वो पस ठही वी सूर कीड़ो उन पल्प ताई पहुँचने में जो टाइम तो वे उन वक्त असके छो ना इलाज कराई सुस्ती सर अवेयरनेस ना है थोड़ी सुस्ती होंगी मानू समझ को सूर को डेंटिस्ट डे 90% पेशेंट तदे वो जैसे उनके सूर अच्छा तकलीफ ना खैर तकलीफ ना खैर है तो दंद जया थियो बस तो उनकी दंद बचाए वा डॉक्टर्स जो सोचे तमाम घो लूज ना है तो वो कॉस्ट तमाम घनी अची वी पेशेंट जो पैसा भी तमाम घना खर्च अर्ली स्टेज से वो तमाम जो माइनर एक अमाउंट में उनकी फिलिंग थी वी हजार बिन हजार में उनको कम थी वो खुदा रखा सा रूट केनाल कराणी थी पवे या सो दंद कढ़ाए उनके रिप्लेस कराण पवे तो इट कॉस्ट जो लखन में वही सो ट्रीटमेंट भी वही पवन आ रूट केनाल अजकल मिनिमम भी जो केविटी है उनको कीड़ो पल्प ताई पहुंची वो है तो उनके फिलिंग करानी पेंदी या उनके दंद कढ़ाणो पवंदो फिलिंग करानी पेंदी केड़ा तरीका ने इलाज दिसो जे इनिशियल स्टेज आहे उने जी ए सूर एतरो कोने हल्को सूर आए त फिलिंग थी वेंदी उने जी ठीक है ए एब्सेस जे को ठई आए या पल्प उने जे इन्वॉल्व थियो त पो तो उनके रूट केनाल कराई उने जो केड़ो प्रोसीजर है थोड़ो बुझाइंदो रूट केनाल ला ता के डॉक्टर के आजकल त सिंगल विजिट में करे था छेन डॉक्टर्स जे इन्फेक्शन घणो ना है त सिंगल विजिट में भी रूट केनाल थी विंदी या पर इट कॉस्ट 30,000 35,000 मिनिमम कॉस्ट वो तो खणी कॉस्ट थी पर या केड़ा थे बस उने रूट केनाल उने में ले उने के साफ करे उने के छ फिलिंग करना उने के अंदर जे को सो नर्व्स कटी उने के अंदर रूट्स में फिलिंग करना है पो मथा एकड़ो कैप लगाए छन अच्छा पो वो दंद बाकायदे लाइफ टाइम हुंदो है उन सा वो नॉर्मल वर्किंग करे सके तो बिल्कुल जे के फंक्शन नॉर्मल है वो करे सके तो खाण पीन सब नॉर्मल जे को सो अच्छा थी सके तो बिल्कुल पर दंद कढण जी कंडीशन छो इंदी आ दंद कढण जी कंडीशन बाय जे को कंडीशन त असा जे मेडिकली कंडीशन चाहू तो तमाम जे को ग्रेड 3 में मोबिलिटी थी वने दंद जी या तमाम ग्रॉसली केरियस तो थी वने तमाम मथा जे को कोरोनल पोर्शन क्राउन जो जे को दंद सफा खत्म तो थी वने या बेंटनेशन में जे को पाड़न ताई पहुंची तो वने तो पो तो कढणो जरूरी हुंदो आ बाकी इन के अलावा अदर को भी कंडीशन आए दंद में सूर आए कीड़ो लगी हुआ वो सेफ कर सकते तो बाकी थोड़ो घणो लूज आए वो भी सेफ कर सकते तो तमाम ग्रेड 3 मोबिलिटी थी वही है तो कढ़ाण जरूरी है अच्छा कढ़ाण जरूरी समझो तो जो दंदन जो बीमारियों हैं उन्हें में जो दंद हिलना दंद जो किरण दंद में कैविटी लगना इन का पान के बचाए बिल्कुल बचाए बचाए ओनली ब्रशिंग विजिट टू द डेंटिस्ट हाँ सफाई रोज जो सो ब टाइम जो सो बार आदत होजन घुर्ज पान भी मूँ जो सो अस ब्रशिंग की टेक्निक थोड़ी गलत होंगी उनते अच्छा हाँ। ये तो थियो वन में बार में भी ये सागी बीमारियों सेम बीमारियों बार में वो क्या खीरे दंदन में होंगे या बाद में खीरे दंदन में स्टार्ट अमूमन तुम दिखो होंद तो बार मानी को खाइंदा उनकी रीजन यह होंगी तो मानून के जहन में कॉन्सेप्ट है तो बार या खीरे दंदन ये तो किरी पवंदा उ ठीक है ना पर बार या खीर दंद जो सो 13 साल तीन जो सो हल्दा बिन साल की एज में इंदा तो उनके 10-12 साल उन दंदन से मानी खानी होंगी अस तवज न दींदी तो बार जाहिर गाल मानी भी प्रॉपर को खाई सो हेल्दी भी को बार के थोड़ा सूर थे तो खाने में तो मूँ समझा यार बार जो अवॉइड तो कर मानी खाने का पर बेसिकली उनके दंद में सूर थे खाने का अवॉइड बीमारी माकोड़ी थी सभी का पैरों जो है वो माकोड़ी है उन्होंने बार में घो बार में एतो जो सो गम्स इन्फेक्शन घट हूँ पर माकोड़ी घनी होंगी दंद खत्म दंद खत्म कीड़ो लगी दंद इलाज कढ़ाना पवंदा न उनके भी फिलिंग कराए सकते थी बार की पल्प की ट्रीटमेंट थी जैसे मतलब से समझो तो रूट केनाल टाइप से उन्होंने सेफ्टी थी वो भी बार कराए सकते थी बार रूट केनाल भी थी
दंद जो अठ डेस तीन दंद की लाइफ आस तक दंद सेफ थो न पर जो दंद अग में वो किरी तो वे या खत्म तो थी वो तो जो पक् दंद वो रुक नो बिल्कुल दंद कढ़ाण न घुर्ज बार कोशिश कजे तो दंद कढ़ाई न कढ़ाई तो दंद जो पी जाए बी जाए अची वो जो स्पेस उनके मिलन घुर्ज जै जाए उनके अचणो है वो अस दंद कढ़ाए छो तो अर्ली इरेप्शन उनकी दंद टेड़ा वेड़ा थी तो बेहतर है तो दंद कढ़ाए उन थोड़ी घनी प्रॉब्लम आए तो उनके ट्रीट कराने घुर्ज फिलिंग कराने घुर्ज उनकी। अच्छा बार पे दंद की सफाई कि कन छो तो बार इन तरफ तवज दींदा को बारन के हैबिट विजन घुर्जे खास तौर पे स्कूल्स में अजकल प्रोग्राम्स थन था पेंजे बार के पान देखो आसो ब्रश करन सिखारे कदें कदें उनके डेंटिस्ट से वी वो साल में एक दफो उनके डेंटिस्ट की विजिट कराई तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंट भी थो डेंटल नर्सिस उनके सो ब्रशिंग कर टेक्निक्स सो बुधाइंद कि ब्रश कर घुर्ज तो उनका बार पे दादन के घो सेफ कर सफाई माना बार सिखारणी सिखारणी जरूरी है ठीक है उन वेचारे की कें खबर तो कें ब्रश कर घुर्ज बस अस उनके टूथपेस्ट वी दिनों ब्रश वी दिनों तो मतलब वो अंदाजो लगाई तो कें सफाई थे घुर्ज बेसिकली एक दफे या ब दफे जो डेंटिस्ट के विजिट कह तो उत डेंटल स्टाफ हों वो बार वालदेन भी समझाए वालदेन भी समझाए सकता बिल्कुल। अच्छा पर अच्छा, कुछ कुछ अड़ा बार या वही उम्र जो मान जिनका दंद टेड़ा होंगे यो छो का यो पैदाशी मसलो आ या यो बाद में थींदा यो इनन के सिद्धो करे सके बिल्कुल सिद्धो करे सके जो सबनी का पहिरां त बारन के हैबिट दिसन घुर्जे त आया बार जो फीडर तो कोन थो वठे घणो या थंब सकिंग तो कोन थो करे ये ब रीजन्स अड़ा होंगे जैसे कर दंद टेड़ा थींदा या वरी बारन में जो सो नेजल कंजेशन होंगी वात का साह खणंदा नक में साह कोन खणंदा तो उन्हें बारन जब दंद बाहर निकली उन्होंने भी थोड़ी तवज्जो देने घुर्ज दंद टेड़ा तो सीधा कराने घुर्जन उन्होंने न तो खीरे दंद सीधा कराजन या जो बाद में अच्छा उन्होंने दंद टेड़ा था अच्छा बाद वन दंदन के ही जो सो 99% जो खीरे या दंदन 99% टेड़ा न हूँ। अच्छा उ न हूँ तकरीबन। अच्छा जो दंद टेड़ा थी 90% जो 99% उ परमानेंट टीथ जो ही टेड़ा थी छो थो रीजन ब रीजन्स तो मुझे तुझे तो हैबिट्स हैबिट्स ठीक है फैमिली में जो सो हेरिडिटरी है उन्हें में भी थे तो या बार जो खीरे या दंद किरन को पोया सो परमानेंट टीथ अची था वन उनकी रीजन यह तो टाइम तो दंद अमन किरंदा को बार अस डाइट जजकल च्यूएबल को खबर आ केला भी दो तो चवन था शेक बना कर दो यो भी रीजन है तो बार च्यूएबल दंद देर कन तो दंद टेड़ा अची हाँ बिल्कुल। अच्छा उन्हें जो को रीजन आए उन्हें जो रीजन यो या तो टाइम सा जो सो खीरे दंद टाइम सा कौन किरन तो परमानेंट टूथ के स्पेस कौन मिलन दो वो अदर साइड से वो जो सो निकली दो तो उन्हें टेढ़े थे जी वजह अच्छा जिकने को घर में आए बार आ या वडो आ उनके जिकने रात जो या के एड़े टाइम ते दंद में शदी सूर पे डॉक्टर भी भेजो न वजे तो फौरन छा करन जी टूथपेस्ट कराइन गुरजे क्लीनिंग कराइन गुरजे 90% का कैविटी आए को कीड़ो आए तने हाँ, तो सूर थियो होंदो ना बिल्कुल सम टाइम ज्यादातर तो यो थिंदो आए त मानु दावत में आयो के था जेको सो या रात जो मानी खाए जेको सो सुमी पियो तो वो जेको फूड आए उने में जेका सा खाने का प्रॉब्लम थी वही का मानी फासी वही दंदन के दरमियान में वो स्वेल अप थी या गोश दो को रेशो या कैविटी भी भरजी हुई उने में या वरी कैविटी आए तो उने में जेको सो फूड हले हुयो तो इन्फेक्शन के बेस्ट हुई आए तो ब्रश कराने को न तो उन वक्त छा को इलाज जो तरीको है या डॉक्टर दे वजन जरूरी आ तो रात जो तो जाहिर गाल ता के एमरजेंसी में को डॉक्टर घटी मिलंदो तो बेस्ट तो वही है तो पहले उनके टूथपेस्ट कराए सफाई चंगे तरीके से कराए छे को पेन किलर उनके देन को दे मॉर्निंग में वरी जो तो नियरेस्ट डॉक्टर के दिखाण अक्सर जिन की कैविटी हुंदी आ जिन जिन दंदन में सुराख हुंदा वो मानु चंदा यो दंद कढराए छजो यो छो यो कांसेप्ट आ सा जो फिलिंग कराए साफ करे उन दंद के बेहर रिपेयर करे उनके नॉर्मल करे सके तो पर अक्सर तान सो तो दंदन वारन जेके डेंटल सर्जन डॉक्टर विंदान वन दंद कढराईंदा रियासत त रीजन उन जो यो हुंदो आ त एकरो त ट्रीटमेंट जे डॉक्टर उनके बधाईंदो आ त एकरो थोरो टाइम टेकिन हुंदो आ हां उन में बटे विजिट कर बटे विजिट त यो हुंदो आ त मानु सोचिना बटे दंद आ ने को दंद निकली त खैर आ
प्लस सूर में जान छुटी पवंदी तो वो विजिट करण उन डॉक्टर के बार बार वो चवन अवॉइड कहना तो यार अब कौन जाए केर अचे केर वे बटी डंद आसो एक बडन निकरी हो तो खैर माने जो डंद में सुराख आए जा उन कढ़ाए छंद पर उन के रिपेयर न कराए उन फिलिंग न कराए उन के कैप न कराए तो बियर कम करे इन तरफ मान जा डंद जिकन से अच्छा जिके असा जा मोलर है हो होड़ू जिके असा चो उनन में भी बीमारियों कीड़ा लगन ता छा उनन के कढ़ाण कुरजे या उनन के रिपेयर कर सके उनन के रिपेयर कराण कुरजे बिल्कुल दंद तक को जे कोसो डेंटल सर्जन जे को बंदो वो दंद कोन कटंदो जे अख जो डॉक्टर अख न कटंदो दंद माने उनके रिपेयर कंदो उनके ठीक कंदो उनके जो इलाज जो को वो करनो होदो हर किस्म जी ट्रीटमेंट आजकल मौजूद है मॉडर्न टेक्नोलॉजी तमाम सुठी थी वही है जे को सो सेफ भी है विच में मानू काफी खौफजदा हों दंदन के डॉक्टर वटी तो उन औजार लाइ कि सामान साफ हों स्टरलाइजेशन होंगी न होंगी पर हाँ माशाला ढी अवेयरनेस अची वही है तो नंढे नंढे क्लिनिक्स में भी सुठी स्टरलाइजेशन है सफाई है तो बिना खौफ के सुठे डॉक्टर वही सोता अच्छा सफाई जो कड़ा तरीका कुछ डंदन जो रंग जो अच्छा न हों पर मुख्तलिफ ब्राउन या येलो या पीला थी अक्सर दंद जो कलरेशन छो चेंज थी कलर चेंज थे जो एक तो जी बाय बर्थ केंो सो दंद जो बारह साल इंदा बारह जहाँ छह साल इंदा दंद जो कलर ही तमाम जो सो येलो है तो वह तो बी जाए वो छो रीजन उन तो फैमिली में जो है कोई कें दंद जो सो सी फैमिली जहाँ या जो सो फ्लोराइड उन एरियन में तमाम घो है हेरिडिटी में भी कलर इन है अच्छा तो इनमें को नुकसान तो कोई को नुकसान को इनमें साफ भी कराए सकते तो ब्लीच भी कराए सकते तो तमाम येलो है तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स सुठी ना तो रंग उन जो वाइट थी जो सुठे वाइट थी तो बिल्कुल अच्छा न तो यो सजो दंद हों या मथा कवर उन जो जो न उन कलर दंद के जो सो ट्रीटमेंट कर छंदी जो ब्लीचिंग टाइप के ट्रीटमेंट होंगी है वाइटनिंग ट्रीटमेंट होंगी है उन दंद वाइट थी होंगे को कवर लगाने की जरूरत कोने को वीनियर लगाने की जरूरत कोने मत अच्छा डॉक्टर साहब केड़ी टेक्निक है अस वट पे जमाने में यो हों तो दंद की सफाई ला अस मुख्तलिफ वणन जो दंद इस्तेमाल कंदा आयो या मुसवाक इस्तेमाल कंदा तीन कंदा अचन था पाया पर हाँ वरी जदीद साइंस में मुख्तलिफ ब्रश पेस्ट भी अची वह जो मुख्तलिफ कन तो बेहतर तरीको कड़ो सफाई ऐसो सभी का बेस्ट तो यो है तो ते दंदन की हिफाजत रखने ला ब्रश कर तमाम जरूरी है अजकल जो मॉडर्न टेक्निक है तट मसवाक डेफिनेटली सुनत रसूल है मू उन सो कर वह बेहतर है पर सभी का बेस्ट जो सो असिक सफाई की जरूरत है तो अस ब्रश या टूथपेस्ट जो सो यूज कर जरूरी है टाइम तमाम इंपॉर्टेंट है टेक्निक बार बार सभी का पैर तो यो है रात जो अस ब्रश कर अच्छा करे सुमन घुर्जे हाँ मानी खाने का पो डिनर करने का पो जो कासो ब्रश करे सुमन घुर्जे तो जी फूड पार्टिकल से वात में ना रहन वे रात जो जो कासो पंजो जरासी में तब्दील न थे ठीक ना जो कासो एक तो यो सेफ्टी सुबह जो नाश्तो करने का पो ब्रश करने को रजे असा नाश्तो करे जो कासो ब्रश करना थी तो वे फूड पार्टिकल साफ थी वींदा को प्रॉब्लम न थी दो असा मोस्टली हैबिट छा हुंदी आ सुबह जो उठियासी ब्रश करे नाश्तो करे ऑफिस ले वैसे स्कूल ये छो आ सुस्ती न बस मू पे ब्रश कह जो सो नाश्तो रात जो ब्रश को सुमंद तो सुबह जो उठन तो अनकंफर्ट फील ओरल कैविटी में तो मू चव वात में जो सो अजीब सी फीलिंग तो अचे पी रात जो सजो जो फूड आको फर्मेंटेड थे उन स्मेल भी इंदी उन अजीब किस्म की तुम फीलिंग भी थी तो उठी वही उन कोशिश होंगी तो पे ब्रश कर वा तो उन्हें के अवॉइड करने लाई हुआ था रात जो ब्रश करे सुमंदा हो तो सुबह जो ताकि काईड़ी फीलिंग कौन थी दी सुबह जो पहले नाश्तो करने का पो ऑफिस वाले का पो जो को आसो चो चा अच्छा डिनर खा या नाश्ते का पहली ब्रश करने फायदे मंदा या बाद में करने फायदे मंदा नाश्ते का पो सो फायदे मंदा फूड पार्टिकल्स कौन अच्छा ता जदा जने ता मानी खाओ उनका पो दंद साफ करियो तो वो वधिक बेहतर पार्टिकल्स निकरी वजन गुर्जन अच्छा टेक्निक छा है असा ता चो ना टेक्निक गलत इस्तेमाल ब्रश करण जी या मसवाक करण जी आए या आए बिल्कुल असा हां यो चवंदा हूं तो के भी डेंटल क्लिनिक में विंदा हो तकरीबन डेंटल क्लिनिक्स में डेंटल नर्सेस हुंदा हैं उए ता के टेक्निक्स बुधाइंदा हैं जो दंदन जी जो सो छह साइड्स हैं अच्छा सामो जो साइड है बैक साइड है एक बार दंद जो मथे सरफेस है
एक बे सा डंद जो मिलियल पान में तो उनके इंटरनल सर्फेसिस एतरी सर्फेसिस के साफ करण है केतरो टाइम ब्रश करण घुर्ज 2 to 3 मिनट्स इन में कवर थी वो कवर थी इंशाल्लाह हैबिट ठही वी न दिसो ब दफा करण रोजानो बई दफा जो सो चंगे तरीके से साफ कर स्पीड भी मैनेज थी वी तीन मुख्य साफ करण घुर्ज प्लस जो सो रोज साफ कर कलेक्शन भी को टाइम सो लगानो पवे न जैसे कें ब्रश ना है असा मू बारी में बहन था गुठन में बहन था तो मुख्तलिफ जो निम जो है या मुख्तलिफ वणन जो असद इस्तेमाल करें उनसा भी असें डंदन के सुठे नमूने से साफ कर बिल्कुल सर डंदन जो सो प्रॉपर करण जो सो एक लॉन्ग टाइम का मूँ हमेशा यूज कंदा आया कन पे हाँ कन पे हिंसर भी कन पे उनका बेस्ट सफाई थी यो ना है तो वो तहां जो डंदन जो उनमें पेस्ट भी उनमें ही है हाँ, वो सेप्टिक माउथ वॉश भी उनमें ही है जो सो में तो एंटीसेप्टिक भी है उनमें से जो तो वो मना बधिक फायदेमंद बेहतर है वो करण घुर्जे मन ये मतलब या तहां जो चवण जो मकसद है त कें भी वजह से कदे को नागो न करण घुर्जे पर डंद के साफ जरूर करण बिल्कुल जो तो सफाई जकने है तो वो डंद बीमार ना बीमार अच्छा जो मुख्तलिफ स्क्रीन कराइंदा जो डंदन की सफाई के वही मुख्तलिफ डेंटल सर्जन डे या हॉस्पिटल में कराइंदा उन जो छा तरीको है ऐसो असा चवंदा तो घणी सफाई जो सो बार बार वही न कराण घुर्जे साल में एकड़ो या ब दफा जो सो इनफ आ वो कराण घुर्जे कराण घुर्जे जेकर न कराए तो समझो तो वो असल में छा थिंदो आ त असा डंदन जो एकड़ो पोर्शन तो ताके दिसण में इंदो आ जेके ता दिसी ब्रश करे वठंदा आयो बियो एकड़ो पोर्शन जेको आ सो मसूड़न जे दरमियान में हुंदो आ गम्स जे अंदर हुंदो आ वो ताहा खा क्लीन कोन थिंदो डेंटिस्ट वे पेंजे डेंटिस्ट वट विंदा हन अच्छा ठीक आ उनन के वो पेंजी जेका सा डेंटल स्केलिंग कराण ला जेको सो पान कोन करे सकंदा हन उनके पेंजे डेंटिस्ट दे वणो पोंदो आ त ता इने गाल खा अंदाजो लगायो तो केतरो इंपोर्टेंट आ स्कैनिंग कराण घुर्जे साल में एक दफो जरूर साल में एक दफो जरूर कराण घुर्जे जेके मानु रेगुलर कराइंदा हन उनन के डेंटिस्ट वट हार्डली 10 मिनट लगदा जाहिर है उनन ठीक है क्लीन हुंदा कोई एडी कलेक्शन न हुंदी बस जेका अंडर द गम्स जेका कलेक्शन थोड़ी घणी हुंदी तो डेंटिस्ट जेको सो ने क्लीन करे छंदो जे मतलब न कराइंदो तो वरी वो या टार्टर डिपोजिशन थी वेंदी उन खां पो दंद लूज थियण शुरू कंदो ब्लीडिंग कम शुरू थी वेंदी उन खां पो दंद लॉस अच्छा मां अञा गलायस त टार्टर छो जमदो आ उन करे कड़ा नुकसानन पर डॉक्टर साहब वक्त छो करे नडे वक्त जो नाज़रीन वठो दा कुड़ा नडे वक्त वेलकम बैक नाजीन अचो पैं गो सिलसिलो बीहर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खालदी असा गड है उन डॉक्टर साहब ढी जबरदस्त तक जान दी तो डंद की हिफाजत भी कर डंद की सफाई किए थी उनखा पो इलाज सुठा तरीका ना उन गल टाटर जैसे जमन तो वो डंदन के कड़ो नुकसान दी टाटर असर नहीं ही ऐसो शुरू में तो असर नहीं उन रीजन है जो गम्स के अंदर हों गम्स के अंदर हों बैक साइड से घो जो अस ब्रशिंग करना तो सामू ये डंदन के टक 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 साफ कर वा बैक साइड का असर नजर भी ना इंदा अस कोशिश भी को कहूँ की टार्टर जो जमे तो एक ब्लीडिंग गम थी स्टार्टिंग जहाँ मसूड़न में ब्लड अचान शुरू थोड़ा घो अच्छा डेली में अचे पे मूँ ब्रश करे पे फील को करे जैसे क्वांटिटी वे थी तो फील करे तो सेकेंडली डंद लूज थी था वन जैसे टाटर जैसे कीड़ो जो डिपोजिशन थी थी तो साइड में कीड़ो लगी सके तो वो सबब है असके ओल्ड पेशेंट तुम दिसंद तो उनके डंद किरण की रीजन को जो सो कीड़ो न होंगी बेसिकली वो हों तो भाई बस पेंजो लूज थी आस्ते लूज थी किरी पे वो टाटर जी कर सफाई प्रॉपर को नजर न टाटर एत जमा थी वो जो वरी डंद के लूज तो टाटर के खत्म करण ला छ ब्रशिंग ना थिंदो या स्केलिंग करण जरूरी है सो इनिशियली तो ता जे ब्रशिंग कयो था तो टाटर फॉर्मेशन थिंदी कोन पर जेकर थी वे तो डेंटिस्ट दे
अच्छा नो अदर वे वो स्केलिंग कराए स्केलिंग कराए न तो टाटर जमी हुआ वो कौन निकरी सकदो नन करदो वो को अच्छा इन करे ना वो टाटर जने ता स्केलिंग करे सफाई करे खत्म करदो अच्छा पोप का दवा वा लगाइदा है होते दिसो जे पोरी वाई क्लीनिंग जो एडवाइस करे छन तो टूथपेस्ट देखो सो सुठे तरीके सा करे माउथ वॉश सुठे तरीके सा पॉलिशिंग वगैरह कंदा बिल्कुल दंद जी जेका सा स्केलिंग करण खा पो उन के पॉलिशिंग भी कंदा हूं अच्छा उने जा फायदा है बिल्कुल फायदा है उने जा थो गरम अमूमन यो सफाई कराया नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स को एक्सपर्ट मानू हलिया वन हाव नो तो होंगी को दंद की सफाई करनी घुर्जे मशीन यूज करनी है यूज कर घुर्जे तो अनस्किल्ड हैंड्स में मानू हल तो वे तो वो दंद जो बेड़ो बुलाए तो चे तो बेस्ट यो है सभी का सुनो यो है अफोर्ड ना कि सरकारी हॉस्पिटल में हलिया सुना सिसम मौजूद है सेकेंडली सभी का वो क्वालिफाइड पर्सन ही हूँ डॉक्टर्स ही हूँ तुम्हारा टाइम लगे तो ठीक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ी रश है थोड़ा टाइम लगे तो पर सुठी ट्रीटमेंट उतनी मिली सेफ भी मिली सेकेंडली प्राइवेट में वनो था त जेको सर उते वरी पैसो खर्च थे पैसो खर्च थे अच्छा त जे करे टाटर वरी बेरब थी सके तो बार-बार थी तो सके इन सबब छ है सबब ये आए तो कीड़ो आ जो टाटर ठाए तो न असा जेका फूड पार्टिकल्स असा मानी खाऊ था जेको खादो खाऊ था असा जे सलाइवा सा मिली वो कलेक्शन करे तो ठीक है ना वो तो हर वक्त थी रही ब्लैक जेको असा जो येलो कलर जी जेका लेयर आ वो जदे हार्ड थी त टाटर ठाईंदी आ वह येलो कलर की लेयर जो ब्लैक है वह अस हेल्पफुल भी है असके ओरल कैविटी जो बैक्टीरिया जरासीम उन्हें सा स्टिक असि बॉडी में अंदर ना वा तो वो तो रोज जो अस हेल्पफुल है अस उन खत्म कदी तो लाइफ में मजा तुम ख्याल में डॉक्टर खालिदी बेहतर है अस दंदन जो मुख्तलिफ निम जो या मुख्तलिफ वण जो क्या हूँ वो सब का सुनो है ब्रशिंग करण घुर्ज वह सुी है ऐसो दंदन जो सो तमाम इंपॉर्टेंट है कॉस्ट भी तमाम घटी वे हाँ अवेलेबल है अवेलेबल है फ्री में पर हाँ ये सब शूँ नंढे शहर में गोठन में तो अवेलेबल है वे शहर में सो पॉसिबल को वही वो यो है तो मॉडर्न टेक्निक ब्रशिंग ब्रशिंग में भी ब्रशिंग क्या है सॉफ्ट है नरम ब्रश इस्तेमाल के बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश न ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट होजन घुर्जे तो जी गम्स के सो हर्ट न करे ब्रश जो सो पेंजे ब्रश के चेक करण घुर्जे टिन महीनों का ब्रश चेंज करण घुर्जे ठीक है ना एवरी थर्ड मंथ जो ब्रिस्टल्स खराब थी वह तो उनके चेंज करण घुर्जे अजक कॉस्टली ब्रश अच्छा तुम स्मेल अस मुँह में इंदी है उसे बैक्टीरिया वगैरह हूँ मुँह में टॉटर के करीड़ो के करी या मकोड़ी के असें पेट की का खराबी है तो बेसिकली जेको आ सो गेट जेको आ सो ता जो जे साफ हुंदो तो कमरो भी खराब कोन थींदो मुंह साफ हो त हाण मुंह जेको आ सो माण्हू यो कांसेप्ट वठन है त असां पेट खराब आ त शायद जेको आ सो असां जेको आ सो दंद खराब था थिए या स्मेल थी अचे पर बेसिकली जेके बैक्टीरियाज वञन था जेको कुझु आहे उहो मुंह जे ज़रिए थो सही आहे त बेस्ट आहे त पंहिंजे दंदनि खे साफ़ रखणु घुरिजे ठीकु आहे न ऐं हिन जी वॾी रीज़न जेका आहे सा उहा इहा ई आहे त असांजो टाटर डिपोज़िशन थिए थी तो हुन जे करे बैड स्मेल अचे थी उनमें ब्लीडिंग थे थी डॉक्टर के जमण अच्छा कैंसर भी दंदन जी थी सके थी बिल्कुल बात है ये कैंसर तमाम घणी हुन ता के खबर है रोज सिगरेट पान गुटको छालिया जे अगेंस्ट मानु जे को एडो वर्क थे पियो खुदा ना खास बात या कैंसर जे को सो वर्ल्ड वाइज जे को सो तमाम घणा है बिल्कुल दंदन में हड्डी में थी सके हड्डी में थी सके तो थी सके तो बिल्कुल इन करे इनन छन का भी असंगे अवॉइड करण घुर्जे या पासो करण घुर्जे या उनके दंदन के पंजे अच्छा की है हाँ अच्छो त जदीद सुठा तरीका इलाज जो केड़ा है नवट अस मौजूद है सो हियर अस जे माशाल्लाह जे को सो गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम सुठो वर्कआउट करे वही है ए प्राइवेट सेक्टर में भी अस जे को सो डेंटल सर्जन तमाम घणा निकरन पे ता के जमाने में जे को सो तमाम घट डेंटल सर्जन हुंदा दंदन जो डॉक्टर मायर तमाम घट हुंदा उनन ताई जे को पहुंचण भी दादो दुखियो हुंदो कॉस्टली भी हुंदा हाँ माशाल्लाह जो सो दंदन जो डॉक्टर तमाम घना हर शहर में तहके सो सुठा डेंटल सर्जन मिलंदा एतरी हाँ अप्रोच भी सो ईजी थी वही है मॉडर्न टेक्निक्स जो सो तमाम सुठी अची वही कुछ बटन जी अस स्केलिंग जो सिस्टम है सफाई जो सो पे एतरो को हैंड स्केलिंग होती हथ से साफ़ कह सो
हाँ देखो सो जदीद एतरा बेस्ट सिस्टम अची वे जो 10 मिंटन में सुठी मशीनू आन वाटर पिक्स आन उनन ते ताके 10 मिंटन में ता जो जेको सो वर्क जेको सो करे गवर्नमेंट जे सबनी सेटअप मौजूद सबनी तकरीबन सबनी सेटअप्स में मौजूद है। अच्छा एकर जो स्केलिंग जो तमाम सुठो प्रोसीजर है दंदन जे सफाई जो बियो जेको सो ता फ्लॉस कयो ब्रश सा गडो गड जेको सो माउथ वॉशेस यूज करण गुरजन कदे कदे ठीक है ना डेली यूज नथा करे सको तो घट में घट हफ्ते में एक बार दफे तो माउथ वॉश यूज करण गुरजे डेंटल फ्लॉस यूज करण गुरजे असा तो चौं था पेशेंट्स के सभी के जो आम मानू भी डेंटल फ्लॉस रोजानो यूज करे रोजानो यूज नथा कयो तो वीक में एकड़ो दफो भी करे वठंदाओ तो ता जे के दंद जी सर्फेस पे दंद में कीड़ो लगी हो दंद में कैविटी ठवी है उन जब जदीद तरीका इलाज मौजूद बिल्कुल जदीद तरीका ची है पेरे मशीन सुठा इलाज तरीका प्रोसीजर सभी का इंपॉर्टेंट छे जे का है वो या है ता पेरे असा दंद जे के लगाईंदा सी वे लगाए कढण वारा हुंदा ता रिमूवे बिल जे को सो हां दंद फिक्स करण जा बेहतरीन तरीका ची है इम्प्लांट्स अची वे हैं ताँ जी हड्डी में ही दंद जेको आसो फिक्स करे छन जे दंद ता फिक्स कदो त छा उन सा मानी खाई सकजे थी बिल्कुल खाई सकजे थी उने का तकलीफ न थी कुछ भी नॉर्मल केड़ो भी न जो सामो वारो जे डाड़ हो जे जका हो जे भले सामो जे दंद हो जे वो न हड्डी में की फिक्स करदा आयो इस इम्प्लांट्स हुंदा है स्क्रूज हुंदा है स्पेशल टाइप जा उन्हें स्क्रूज के असा जेको आसो बोन में फिक्स करे छन वो रूट ठे विंदी है उने मथा दंद जेको आसो लगाए छन वो दंद इस्तेमाल कर सकते वो दंद इस्तेमाल अच्छा वो दंद छा मतलब हड्डी जो होता है या मुख्तलिफ मटेरियल दंद तो दिसो एकरो जेको सो बटे जेको असा टाइप्स हुंदा है एकरो तो असा पोस्टिंग जा दंद जेको सो घणा हलंदा है ठीक है ना मटेरियल हुंदो आ बियो जर्कोनियम जा दंद कल अची विया है प्लास्टिक जा दंद हुंदा है जेके असा जा कढण लगाण वारा हुंदा है रिमूवेबल जेको हुंदा प्लास्टिक जा हुंदा है एकड़ो कॉन्सेप्ट मानुन वट खाम खाई जो आए तो शायद जे को सो के जानवर जे दंद लगे मतलब जानवर जे हरे जो दंद में एड़े किस्म की का विषय कोन है पर ये दंद जे के लगाया विंदान फिक्स किया विंदान इन जो को साइड इफेक्ट तो को साइड इफेक्ट को चते तो बाहरी मटेरियल है ना बाहरी मटेरियल है पर सेफ है। अच्छा हां सेफ तमाम से दंद लग रहा है फिक्स उन में फायदा उठी सको था पांच जो को दंद को टूटी हो तो वो खूबसूरती खराब अच्छा जगह दंद टेढ़ा है तो क्यों उनके सिद्ध कर सकते उनन जा बद तरीका है एकरो तो ब्रेसेस लगाने जो तरीको है आजकल मॉडर्न टेक्निक अची हुई है अलाइनर्स अची हुए हैं तो वो प्लास्टिक टाइप जी ट्रेस ताके दे छंदा उठाए जो को ताजे फेस जे हिसाब से उवे ताके जो को सो बिन महीने में जो को सो चेंज करनी हुदन बिना के जो सो डिस्टर्बेंस जे मतलब ये मानु आउट फील कंदो ब्रेसेस लगाने का कुछ मानु अजीब लगे तो मुके तो वो जो सो इनविजिलाइन अस उनके चवंदा जो नजर न इंदा उहे ट्रेस जो सो ऑटोमेटिक डिघोर सोचो साल तक लगे रखा फायद या डिघो छो इन रीजन यहाँ होंगी तो असके दंद के मूवमेंट देनी होंगी वह तमाम स्लो देनी होंगी ठीक है ना जो अस उनके स्पीड में जो सो मूव कंदी तो डेफिनेटली लूज थी वो दंद जो हथ में अची वो तो उनके तमाम स्लो अस एतरी स्लो मूवमेंट दींदा तो एक जगह का बी जगह तो उन्हें खड़ी पे वो जो स्पेस खाली तो उसे बोन हार्ड थी वे जेस ताई जो सो अस दंद के हड्डी टुटी पवंद छह हफ्तन में वह होंगी अस दंद की थोड़ी मूवमेंट कई तो पोई जी दंद की स्पेस खाली है उतने बोन के सो हार्ड थे में सिक्स वीक्स खपंदा अच्छा वरी थोड़ो अगत साल में दंद सही थी तो वो सही रहता बिल्कुल सही वो टेड़ा ना थींदा उन्हें में का बीमारी या उनके सफाई जो कोई इशू ना बस नॉर्मल नॉर्मल माने यो सुठो इलाज है वरी बेरप करे सकते तो ना बिल्कुल करे सकते तो ना उन में रिकरेंस आए रिकरेंस तमाम घट आए जेके बार देखो या वडा जेको सो केयर कोन करना है असा जने ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है तो पेशेंट के तय होना है तो 6 वीक्स टू 6 मंथ्स ताई असा उनके रिटेन करना है रिटेनर लगाइंदा है वो रिटेनर्स न लगाइंदा है तो पो वरी दंद वापस अचन जा कुछ चांसेस होना है। अच्छा डॉक्टर सुठो डॉक्टर खालदी मुख्य बुधाया था जिक भी दंदन जो बीमारी उन या दंद टेढ़ा है या दंद टूटी पिया या हिलन जा या टॉटर है इन सभी जो इलाज है वो मौजूद है बिल्कुल को पे एड़ी बीमारी ना है जंगो इलाज ना बस अंटिल अनलेस ता जो दंद तमाम लूज न थे न बाकी सब दंद ता जा सेफ थी ना बच्चे के दंद किरी पिया तो वरी ता इम्प्लांट भी करे सकता वो पे इलाज तरीका डॉक्टर सुठो डॉक्टर इकबाल खालदी मैसेज छाओ तो पैगाम छाओ ता सर यो या ता जो वात जो आ सो ता जी बॉडी जो आ सो गेटवे आ है ठीक है ना शख्सियत जो भी तुम दंद जो सो जारी गाल फेस है तो पैं दंदन वात की सेहत जो तमाम घो ख्याल रखन घुर्ज दुनिया में दंदन जो है वात या कैंसर तमाम घना उन इलाज भी ढो सो डिफिकल्ट है तेरें वात के जो सो घट में घट साल में एक दफो डॉक्टर के वही जरूर दिखा घुर्ज तो खुदा ना खास्ता कोई वाइट या रेड पैच तो को
को अड़ो जख्म तो को थे उन वात में जो खुदा ना खासा कैंसर थी वे चाहे जो कैंसर वात जो तबर आ तो ट्रीटेबल एतो को तमाम डिफिकल्ट जो सो तेकर इो ही है तो दंद की सफाई बेहतर रखन घुर्जे पेंजे बारन के पान भी जो सो साल में एक डेंटिस्ट के जरूर दिखाने घुर्जे वरी मेहरबानी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खालदी ता असा रहे ता वेरी मेहरबानी नादिन असा ने मौजूद में डॉक्टर इकबाल खालदी असा ता करवे डाडी जबरदस्त जान नहीं ता पेंजे वात जे सेहत जो तमाम घणो ख्याल रखन घुर्जे दंदन की सफाई भी सुठे नमूने से कर सकते थी जो पुराना तरीका है सफाई जान उ भी सुठा जदीद तरीका भी सुठा जदीद इलाज जहाँ तरीका मौजूद है उन्होंने में फायदों वी सकते तो पर जो अस सफाई जो ख्याल रखू तो दंद भी असाजा सालम रहा बीमार का बचंदा मुँह जी बीमार भी न लगद पेट की बीमारी भी न लगद अस सेहतमंद भी रहा डॉक्टर साहब की इन गाल अमल किया बेहतर सुठी जिंदगी गुजारे सूँ प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक्त पूरा थोड़े मेजबान डॉक्टर वाहिद बशमोर के इजाज़ दींदा अल्लाह हाफिज़।